नमस्कार, दिल्ली तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलविश। 12:30 बजे का समय होता है जब हम आपसे मुखातिब होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, खबरों को जोड़ रहे थे आपके लिए। चलिए पहली खबर, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ बातें बताई, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर 45 किलोमीटर का एक स्ट्रेच जो है, 9 स्ट्रेच है जिसको मिलाकर 45 किलोमीटर टोटल बनेगा, 9 स्ट्रेचेस दिल्ली में जहाँ पे ज़्यादा जाम रहता है और उनमें कुछ बदलाव किए जाएंगे रोड्स में, ताकि जाम न रहे पहली बात, और दूसरी बात जो हालत है सड़कों की वो अच्छी रहे, यानी कि जो PWD की सड़कें हैं उन पे ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया जा रहा है। 9 स्ट्रेचेस हैं, 45 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा। एक स्ट्रेच के लिए करीब करीब 10 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, करेगी दिल्ली सरकार, और जिसमें नए तरीके से रोड बनाया जाएगा, ई रिक्शा और ऑटो के लिए स्टैंड बनेंगे और एक साल में ये काम पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने ये साफ कह दिया है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, अगर जैसे हम सोच रहे हैं उस हिसाब से ये रोड्स बन जाती हैं और अच्छी हो जाती हैं, क्वालिटी के हिसाब से गड्ढे नहीं हों, साथ में ट्रैफिक जो है वो व्यवस्थित हो जाए, तो उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट PWD की बाकी सड़कों पर भी लागू किया जाएगा। लेकिन अभी अगले एक साल में इसको 9 स्ट्रेचेस पर, जिसमें एक लक्ष्मी नगर से करकरी मोड़ तक का स्ट्रेच है, ऐसे 9 स्ट्रेच उन्होंने नाम बकायदा बताया और कुछ ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार क्या सोच रही है और क्या वो बदलाव चाहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट, हालांकि इसके बारे में परसों भी मुख्यमंत्री ने बताया था, लेकिन आज बकायदा शायद पूरा चीज़ें और डिसाइड करने के बाद, अमली जामा पहनाने से पहले सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो ये खबर है कि दिल्ली की सड़कों पे कुछ बदलाव की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो गड्ढे होते हैं उससे बहुत समस्या होती है, और यही अब दिल्ली के लोग कहते हैं जब बारिश होती है या गड्ढे ज़्यादा होते हैं कि कितनी ज़्यादा समस्या हो रही है ड्राइव करने में। तो ऐसे में उन चीज़ों को धीरे धीरे केटर करने की कोशिश सरकार कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की। देखिए, जैसे कि हम कहते हैं और जैसे कि हम महसूस कर रहे हैं कि पोल्यूशन से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, पार्टीज़ ये बात समझ गई हैं, और बेहतर यह है कि हम भी समझ जाएँ कि हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी आबो हवा को हमारी मदद की ज़रूरत है। जो हालत हो गई है पोल्यूशन की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि हम कहते हैं AQI, उसमें जो उतार चढ़ाव है लगातार जारी है। आज सुबह की हम बात कर रहे हैं क्योंकि रोज़ सुबह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मापा जाता है, तो आज का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की गुणवत्ता, वो 200 के पार पहुँच गई है, जिसको पुअर कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अगर आपको याद होगा, बहुत दिनों से बात हो रही है पोल्यूशन को लेकर और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कदम भी उठा रही है, लेकिन धीरे धीरे हालात पोल्यूशन की तरफ या ख़राब हवा की गुणवत्ता की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं चांदनी चौक की, जहां पर PM10 197 दर्ज किया गया, जबकि PM2.5 336, आपको पता है PM2.5 कितना ख़तरनाक होता है, सबसे छोटे कण होते हैं जो कि आपके लंग्स में जाते हैं, और ऐसे में लोधी रोड जो कि सो कॉल्ड दिल्ली का पॉश एरिया है, बहुत ग्रीनरी है, वहां पर PM10 153 और PM2.5 246 दर्ज किया गया है। और सभी जगह अगर आप देखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ग्रीन एरिया माना जाता है, वहां पर PM10 165 है और PM2.5 248 है, यानी कि वहां पर भी 200 से ऊपर है, जहां पर जो सबसे ज़्यादा ग्रीन एरिया माना जा रहा है दिल्ली का, वहाँ पर आप सोचिए PM2.5 248 रिकॉर्ड किया जा रहा है, 250, 250 तक, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जगहों की हालत क्या होगी। जानकारों की माने तो अगले 2 दिनों में राजधानी में पराली का असर देखने को मिलेगा, यानी कि अगर हम समझे जानकारों की बात को, अभी तक पराली का पूरा असर दिखा नहीं है और PM10 PM2.5 इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब असर पूरा होगा, स्मॉग यानी कि स्मोक प्लस फॉग, सर्दी बढ़ती है और जो पोल्यूशन होता है दोनों मिलते हैं, और बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन ये होता है राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए। एक तो हेल्थ के हिसाब से ही बहुत ख़राब है, बच्चों के लिए बहुत ख़राब है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ख़राब है, और पिछले साल की अगर हम बात करें तो बाकायदा ऐसी कंडीशन आ गई थी कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी थी और लोग पोल्यूशन मास्क, जो बहुत ज़्यादा समझ रहे थे चीज़ें, पोल्यूशन मास्क लगा के घूम रहे थे, तो ऐसे हालात
अजबार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के सीमाई इलाकों में पराली जलाए जाने की वजह से हवा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में हवा और ख़राब होगी। ऐसे में ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है ताकि अगर आप महसूस करें हवा में सांस लेते हुए राजधानी दिल्ली NCR में कि कुछ सही नहीं लग रहा, वो ये है हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जैसे कि अब बता रहे हैं आपको 200 के पार पहुंच गया है और नवंबर में तो 300-350 के पार पहुंच गया था, जो पुअर से सबसे जो आखिरी कैटेगरी है उसके पार पहुंच गया था, 500 के ऊपर तक पहुंच गया था नवंबर के पहले हफ्ते में। चलिए आगे बढ़ेंगे और तो पॉल्यूशन को लेकर हम आपको सारी जानकारी जो दिल्ली NCR में चल रही है वो देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में पूर्वांचलियों को मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने आप और बीजेपी पर पूर्वांचलियों के खिलाफ बयानबाजी का आरोप लगाया है। चुनाव नज़दीक है, ये सब चीज़ें होनी लाजमी हैं, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे हर मुद्दे पर और पार्टियां अपना बचाव करेंगी, दूसरे पर आरोप लगाएंगी और ये सारी जानकारियां हम आपको यहां पर देते रहेंगे। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने कहा है कि कीर्ति आज़ाद के आरोपों को उनका जवाब जनता देगी और आप सांसद संजय सिंह ने भी इस पर जवाब दिया है, कहा है कि कांग्रेस खुद पूर्वांचलियों के विरोधियों के साथ हाथ मिला रही है। बहुत बड़ा वोट बैंक है पूर्वांचलियों का, ऐसे में जो जिस तरह का फोकस उनको मिलता है ये हम सब जानते हैं और वैसा ही अब हर मुद्दे पर ध्यान पार्टियों का जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक होता है राजधानी दिल्ली की। हम बात करें पूर्वांचली वोट बैंक बहुत बड़ा हिस्सा है। साथ में तुगलकाबाद में ढहाए गए संत रविदास मंदिर में उसी जगह पर फिर से मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगस्त में प्रशासन ने इस मंदिर को ढहा दिया था और इसे लेकर अब कर बवाल हुआ और इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है जो कि हम आपको बता रहे हैं। इसके बारे में एक हमने एक 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 बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट डाली है दिल्ली तक पर, अगर आप नज़र डालेंगे तो आप देख पाएंगे पूरा जो मुद्दा है, आप ये समझ पाएंगे। मेरे सहयोगी संजय शर्मा की ये रिपोर्ट है, आप जाइए और आप पूरा इसको, आप अगर आप पूरा मैटर समझना चाहते हैं तो आप एक नज़र उस रिपोर्ट पर डालिए, आप समझ जाएंगे कि ये क्या मुद्दा है, कैसे शुरू हुआ, इतने साल बाद कैसे ये कोर्ट में पहुंचा, तमाम चीज़ें आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, नोएडा के सेक्टर 94 की मैं बात करना चाहूँगी जहाँ पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ पर शुक्रवार को एक युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था और उस जो डेड बॉडी है उसकी नाक को चूहे कुतर गए। ये बहुत संवेदनशील ये मामला है। एक तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए कहीं पे ले जाना और उसके बाद क्या डेड बॉडीज़ को सही तरीके से ध्यान से नहीं रखा जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठ गए हैं और प्रशासन में खलबली मच गई है, हलचल मच गई है इस चीज़ को लेकर। CMO अनुराग भार्गव ने बताया कि एक साल पहले पोस्टमार्टम हाउस नोएडा प्राधिकरण की देखरेख में था और जब ये स्वास्थ्य विभाग के अंडर आया तो पोस्टमार्टम हाउस की बदहाली को सुधारा जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात एक्सेप्ट की गई कि ये इस तरह का हालात थे वहाँ पर। ऐसे में पोस्टमार्टम हाउस में लाश को लाने से पहले शव के नाक का हिस्सा ना रहा हो, मतलब अपने आप को बचाने की यहाँ पे कोशिश की गई, लेकिन सवाल उठने लाजमी है कि किस तरीके से पोस्टमार्टम के लिए एक डेड बॉडी को लाया गया और उसके बाद उसकी नाक को चूहे ने कुतर लिया। सोच के देखिए कितना संवेदनशील ये मामला है कि पोस्टमार्टम हाउस में इस तरीके से हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने वेस्ट दिल्ली से अवैध शराब सप्लाई करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आशंका जताई कि आरोपी शख्स ईको गाड़ी में अवैध शराब सोमवार को हरियाणा चुनाव के साथ साथ त्योहारों में खपत के लिए इसको लाया जा रहा था। ऐसे में 3,900 क्वार्टर्स बरामद किए गए हैं और आरोपी की अवैध शराब लाने के लिए चोरी की गई ईको गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, यानी कि कार चोरी की थी और शराब को सप्लाई किया जा रहा था और इतनी इससे भी कई बड़ी खेप 41 शराब की पेटियां मिली थी। अभी हाल फिलहाल में लगातार शराब की खेप मिल रही हैं, शराब की ये जो चीज़ें मिल रही हैं क्योंकि जिनका इस्तेमाल त्यौहार के सीज़न में या फिर इलेक्शंस हैं उसके लिए किया जा रहा था, इस तरह का आशंका है और ऐसे में लगातार पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और छापे डाल रही है। इस सब के बीच खबर ये भी है कि दिवाली बिल्कुल नज़दीक है, 5-6 दिन का समय रह गया है और अभी तक ग्रीन पटाखे बाज़ार में लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में लोग दुकानों पर जा रहे हैं, वो खुद ग्रीन पटाखों की मांग कर रहे हैं लेकिन जितना स्टॉक दुकानदारों के पास होना चाहिए ग्रीन पटाखों का वो नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ग्रीन पटाखे नहीं मिलेंगे तो लोग क्या करेंगे, क्या लोग पटाखों का ही
बलिदान कर देंगे कि इस बार वो पटाखे नहीं चलाएंगे या फिर कुछ और होगा। नज़र हमारी भी बनी हुई है क्योंकि दुकानदार कह रहे हैं कि अगर पटाखे नहीं है तो आप हमें ऑप्शन दीजिए। बगैर ऑप्शन आप लोगों से कैसे कह सकते हैं कि आप पटाखे ना चलाएं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। ग्रीन पटाखे अभी तक जितने अवेलेबल होने चाहिए, जितना स्टॉक होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है। और ऐसे में क्योंकि हम लगातार पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जब ये हर स्टेप पे और हर जगह पे काम होगा, तब कहीं जाके पॉल्यूशन के लेवल में कमी आएगी, स्थिर कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि आज पॉल्यूशन कम हुआ, कल दोबारा बढ़ गया और फिर परसों दोबारा बढ़। तो ये तो हर स्टेप पे काम किया जाएगा, तब कहीं जाके पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में जो खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं, एक पॉलिथीन बैग के लिए मर्डर हुआ है। जी हाँ, आप बता रहे हैं, दयालपुर के चांदबाग इलाके में एक पॉलिथीन के लिए झड़प हुई थी और फैजान नाम के ग्राहक ने दुकान पर काम करने वाले खलील से पॉलिथीन मांगी और इनकार करने पर दोनों के बीच बहस हुई, मारपीट हुई एक पॉलिथीन बैग के लिए। सोचिए जरा, इस दौरान ग्राहक ने खलील पर ईंट से हमला कर दिया। यानी कि फैजान ने खलील से पॉलिथीन का बैग मांगा, उसने मना कर दिया, क्योंकि अगर आपको जैसे कि आपको पता ही हो कि अब पॉलिथीन अलाउड नहीं है, कितना ज़्यादा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उस पर बैन लग चुका है। तो ऐसे में उसने मना कर दिया होगा, दुकानदार मना कर रहे हैं कि आप अपने बैग खुद लाइए क्योंकि हमारे पास बैग नहीं है, ये समस्या भी आ रही है। लेकिन ऐसे में 15 अक्टूबर का मामला है, फैजान नाम के शख्स ने खलील पर हमला किया, उसको बुरी हालत में अस्पताल में ले जाया गया और ख़बर अब आई है कि खलील नाम के इस शख्स को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर पूरे मामले की जांच करेगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो ये कि पॉलिथीन बैग सिंगल यूज़ प्लास्टिक अलाउड नहीं है, तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कहीं पर आप जाएंगे आपको पॉलिथीन बैग मिल जाएगा। दूसरी बात ये जो गुस्से की हम बात करते हैं कि दिल्ली में लगातार लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एक छोटी छोटी चीज़ के लिए, इस बार तो हद ही हो गई। एक पॉलिथीन के बैग के लिए एक शख्स ने दूसरे पर ईंट से हमला किया। अगर हम पीछे जाएं, बहुत पीछे ना जाएं, 10 रुपये के लिए, 50 रुपये के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों पर हमले हुए हैं, उनकी जान ली गई है, उन पर फायरिंग की गई है, खाना नहीं दिया, टाइम ख़त्म हो गया खाने का रेस्टोरेंट में, तो ये सब कुछ हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर दिल्ली में लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है, इतना ज़्यादा लोग एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालने के लिए उतारू क्यों हो गए हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो हमने आपको बताई और ये सुबह से अब तक की खबरें हैं जो आपके लिए समेट कर लाए हैं। और अगर आप चाहें तो किसी टॉपिक पर आप चाहें हम डिस्कस करें, क्योंकि हम सारे ज़रूरी टॉपिक्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि हम डिस्कस करें किसी और टॉपिक पे, तो आप हमको बता सकते हैं। और कल फिर से हाजिर होंगे दिल्ली और NCR की तमाम अहम खबरों के साथ, जो कि हमारे लिए भी उतनी ज़रूरी हैं जितनी कि आपके लिए ज़रूरी हैं। फ़िलहाल अभी के लिए, इस सेगमेंट के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।